एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष येदुरप्पा का बयान, कहा कुमार स्वामी सरकार का आखिरी दिन होगा सोमवार, शुक्रवार को नहीं हो सका था विश्वास मत। सोनभद्र जाने पर अड़ी प्रियंका गांधी, बोली पीड़ित परिवारों से मिलना मेरा धर्म, योगी सरकार पर बोला हमला। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की टीम करेगी सोनभद्र का दौरा, 22 जुलाई को 5 सदस्यीय टीम के साथ आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार करेंगे दौरा, जमीन विवाद में 10 लोगों की कर दी गई थी हत्या। पुणे सोलापुर राजमार्ग पर दर्दनाक हादसा, कार और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की मौत, यादव गांव के हैं सभी 9 मृतक। बिहार और असम में बाढ़ का तांडव जारी, अब तक 139 लोगों की मौत, नीतीश ने 6,000 रुपए के राहत पैकेज का किया ऐलान, पीएम ने असम के सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को मदद का दिया भरोसा। महाराष्ट्र के पुणे सोलापुर राजमार्ग पर दर्दनाक हादसा हुआ है, यहां पर एक कार और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की मौत हुई है, मृतकों में सभी लोग यावत गांव के रहने वाले हैं। ये हादसा कदवावक अवस्थी गांव के पास हुआ है, ये गांव पुणे सोला राजमार्ग पर है और ये हादसा जो है रात के करीब 1 बजे हुआ है बताया जा रहा है। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, ट्रक और कार की टक्कर बताई जा रही है, जोरदार टक्कर के बाद 9 लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। पुणे सोलापुर राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है, रात करीब 1 बजे का समय था जब यह हादसा हुआ, पुणे सोलापुर राजमार्ग पर ट्रक और कार की टक्कर बताई जा रही है जिसमें 9 लोगों की मौत हुई है। तो पुणे सोलापुर राजमार्ग पर यह हादसा हुआ है, आप तस्वीरें देख सकते हैं हालात क्या है कार के, क्योंकि ट्रक और कार के बीच ये जोरदार टक्कर हुई है, 9 लोग बताए जा रहे हैं जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, 9 लोगों की मौत हुई है। बढ़ते आगे, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सोनभद्र जाने पर अड़ी हुई हैं, उन्होंने जमानत लेने से भी इंकार कर दिया है और साफ किया है कि वो हर हाल में पीड़ित परिवारों से मिलने जाएंगी। इससे पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के काफिले को नारायणपुर पुलिस स्टेशन पर रोक दिया गया। आपको बता दें कि सोनभद्र में 10 लोगों की हत्या के बाद प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार से मिलने वहां जा रही थी, जिसके बाद प्रियंका गांधी ने अपनी गिरफ्तारी और सोनभद्र जाने से रोके जाने पर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मैं न कोई कानून तोड़ा है ना ही कोई अपराध किया है, बल्कि सुबह से मैंने स्पष्ट किया था प्रशासन चाहे तो मैं अकेली उनके साथ पीड़ित परिवारों से मिलने आदिवासियों के गांव जाने को तैयार हूं, या प्रशासन जिस तरीके से भी मुझे उनसे मिलाना चाहता है मैं तैयार हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा मुझे पिछले 9 घंटों से गिरफ्तार करके चुनार किले में रखा हुआ है। प्रियंका गांधी ने एक और भी ट्वीट किया और कहा कि मैं नरसंहार का दंश झेल रहे गरीब आदिवासियों से मिलने उनकी व्यथा कथा जानने आई हूं, जनता का सेवक होने के नाते ये मेरा धर्म है और नैतिक अधिकार भी है, उनसे मिलने का मेरा निर्णय अड़िग है, मगर बावजूद इसके यूपी सरकार ने ये तमाशा किया हुआ है, जनता सब देख रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक और ट्वीट किया है, उत्तर प्रदेश सरकार की ड्यूटी है अपराधियों को पकड़ना, मेरा कर्तव्य है अपराध से पीड़ित लोगों के पक्ष में खड़े होना, बीजेपी अपराध रोकने में तो नाकामयाब है मगर मुझे मेरा कर्तव्य करने से रोक रही है, मुझे पीड़ितों के समर्थन में खड़े होने से कोई रोक नहीं सकता। तो लगातार इस बात पर अड़ी हुई है प्रियंका गांधी कि वो सोनभद्र जाएंगी, गिरफ्तारी के बाद भी उनका कहना था अड़ी है वो अपनी बात पर। तो यूपी के सोनभद्र में हुई करीब 10 लोगों की हत्या पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और योगी सरकार अब आमने सामने है। प्रियंका गांधी को शुक्रवार को प्रशासन ने सोनभद्र नहीं जाने दिया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रियंका गांधी मिर्जापुर के चुनार में गेस्ट हाउस के बाहर धरने पर बैठ गई हैं। इसके बाद प्रियंका गांधी को वाराणसी सोनभद्र की सीमा पर नारायणपुर में हिरासत में लिया गया था, हालांकि पुलिस ने हिरासत में लेने की बात को गलत बताया है। योगी सरकार पर तीखा वार करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि यूपी में नरसंहार हो रहा है, गरीबों पर अत्याचार हो रहा है, साथ ही प्रियंका गांधी ने कहा कि वो सोनभद्र में पीड़ित परिवार से मिले बिना वापस नहीं जाएंगी। अब मैं उन परिवारों से मिलने यहाँ आई हूँ, ये कोई अपराध तो नहीं है, जो पीड़ित हैं उनसे मिलना एक नेता का धर्म होता है, अपराध नहीं है, तो मैंने कोई अपराध नहीं किया, मैं जमानत बिल्कुल नहीं भरूंगी, मैं एक पैसा नहीं भरूंगी, उन परिवारों के सदस्यों से मिलने के बिना मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। आधे घंटे पहले
मिर्ज़ापुर के डीएम साहब और एसपी साहब यहाँ आए, उन्होंने कहा आप बनारस चले जाइए, यहाँ एसी नहीं है। मैंने उनसे कहा मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मुझे कोई एसी की ज़रूरत नहीं है, बिजली की ज़रूरत नहीं है, मैं उन परिवारों से मिलने के बिना यहाँ से हिलूँगी नहीं। बाकी आपको जेल में डालना है जेल में डालिए, मैं तैयार हूँ, कुछ भी करना है मैं तैयार हूँ। बॉर्डर है नहीं उनके पास। सोनभद्र पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। सोनभद्र में जमीन विवाद में 10 लोगों की हत्या पर सूबे की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सोनभद्र जाकर नरसंहार के पीड़ितों से मिलना चाहती थी, लेकिन प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें इजाजत नहीं दी। इसके बाद प्रियंका गांधी मिर्जापुर वाराणसी बॉर्डर पर नारायणपुर गाँव के पास सड़क पर ही धरने पर बैठ गयी। इस दौरान अधिकारियों के साथ प्रियंका गांधी की तीखी नोकझोंक भी हुई। शांतिपूर्वक परिवारों से मिलने आगे के लिए क्या रणनीति रहेगी आपको? देखते हैं आगे क्या होता है। कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग? पता नहीं मुझे, जहाँ भी ले जा रहे हैं। सोनभद्र जाने पर अड़ी प्रियंका गांधी ने कहा कि वो सिर्फ 4 लोगों के साथ पीड़ितों से मिलना चाहती है। इसके बाद प्रियंका गांधी को हिरासत में लेकर मिर्जापुर के चुनार गेस्ट हाउस में लाया गया। हालांकि पुलिस ने प्रियंका को हिरासत में लेने की बात से साफ इनकार किया। तो जब उन्होंने कहा कि कोई आपको जाने नहीं देंगे, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं है, ऊपर से फोन आया है, तो मैंने कहा फिर तो मैं जाऊंगी, क्योंकि आपने मुझे कोई कागज नहीं दिखाया, कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, कोई एक्ट नहीं दिखाया, तो जब मैं जाने लगी तो फिर मुझे गिरफ्तार करके यहाँ ले आए। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि यूपी में नरसंहार हो रहा है, क्या योगी सरकार के लिए गरीबों की हत्या कोई मायने नहीं रखती? मैंने कहा भी अगर 144 है, मैं 3 लोगों को लेके जाऊंगी, उससे ज्यादा नहीं, मुझे सिर्फ उनसे मिलना है, क्योंकि उनको ये एहसास होना चाहिए कि उनके साथ कोई खड़ा है जी, कि वो अकेले नहीं है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर सियासत करने का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने सोनभद्र हत्याकांड में तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है, हाई लेवल जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही सीएम योगी ने ये भी कहा है कि सोनभद्र की जिस जमीन को लेकर खूनी संघर्ष हुआ, उसके विवाद की नींव कांग्रेस सरकार के दौर में पड़ी थी। वास्तव में इसकी नींव 1955 मैं तब पड़ गई थी जब तत्कालीन तहसीलदार ने ग्राम समाज की जमीन को और वहाँ के अन्य कुछ जमीन को आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी के नाम पर दर्ज करने का एक वहाँ पर उस समय एक अवैधानिक कार्य किया था। इससे पहले प्रियंका गांधी वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में सोनभद्र गोलीकांड के घायलों से भी मिली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी ट्वीट कर योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका को गरीबों से मिलने से क्यों रोका गया, बीजेपी सत्ता का मनमाने ढंग से इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें कि सोनभद्र के घोरावल कोतावली क्षेत्र के उभप्पा गांव में 90 बीघा जमीन को लेकर सालों से चल रहे विवाद में बीती 17 जुलाई को 10 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, दर्जनों लोग घायल भी हुए हैं। नरसंहार में मारे गए लोग गरीब गोंड आदिवासी समुदाय से थे। बहरहाल बड़ा सवाल यह है कि सोनभद्र नरसंहार को लेकर छिड़ी सियासी जंग का क्या अंजाम होगा और क्या हिंसा पीड़ितों को इंसाफ मिल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को यूपी के सोनभद्र जाने से रोकने पर जमकर सियासत हो रही है। यूपी विधानसभा में से लेकर जमकर हंगामा भी हुआ। लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बीजेपी का आरोप है कि सोनभद्र के मामले में कांग्रेस सिर्फ सियासी ड्रामा कर रही है। वहीं विपक्षी दल कानून जो है वो कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। लखनऊ में योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए ये कांग्रेस कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को सोनभद्र जाने से रोके जाने से खफा है और योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। सोनभद्र में जमीन विवाद में हुई 10 लोगों की हत्या पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। यूपी की खस्ता हाल कानून व्यवस्था के मसले पर विधानसभा में भी जमकर हंगामा हुआ। दिल्ली में भी प्रियंका गांधी को सोनभद्र नहीं जाने देने पर विपक्षी दलों ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया। हिंदुस्तान के आम नागरिक होने के नाते, चाहे वो प्रियंका गांधी भद्रा और दूसरे कोई भी हो सकते, किसी जगह अगर पीड़ित लोग के साथ मिलने का उनका अधिकार है, लेकिन वो अधिकार
हमारे यूपीए सरकार किसी को नहीं देना चाहते हैं। सोनभद्र की घटना महज लॉ एंड ऑर्डर की घटना नहीं है, वो हमारे सोशल ऑर्डर की घटना है कि सोशल ऑर्डर में जो हाशिए के समूह है ना, उसके लिए इस मुल्क में कोई जगह नहीं है, उसके लिए आवाज उठाने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। कम से कम विपक्ष के लोग अगर जाना चाहते हैं, संवेदनशीलता प्रदर्शित करें तो जाने दीजिए। वहीं बीजेपी ने प्रियंका गांधी के सोनभद्र जाने पर सवाल उठाते हुए सियासत करने का आरोप लगाया। बीजेपी का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, पीड़ितों को यूपी सरकार न्याय दिलाएगी। राजनीतिक लाभ लेने के लिए जाना और इस तरह के तमाशे करके मीडिया में बात को फैलाना कि साहब हमको रोक लिया गया, किसी ने नहीं रोका है, कहीं नहीं रोका है। आपको अमेठी में भी नहीं रोका था, अमेठी से भी धुल गई आप। अमेठी में किसने रोका था आपको? अमेठी तक तो संभला नहीं आपसे। टीआरपी बनाने के लिए वहां जाकर के क्या करेंगे? शांत दूत हैं क्या? अभी तत्काल घटना हुई है और अभी वहां का माहौल ठीक नहीं है, मुलजिमों की गिरफ्तारी चल रही है, मुख्यमंत्री ने स्वयं उस घटना का संज्ञान लिया है, बाद में जाइए आप, मदद करिए, कौन रोकता है। कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी सोनभद्र जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने एसपी कार्यकर्ताओं को भी बॉर्डर पर रोक दिया। आपको बता दें कि सोनभद्र के खूनी संघर्ष के मामले में ग्राम प्रधान और उसके भाई समेत 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जमीन विवाद में 10 लोगों की हत्या के मामले में SDM घोरावल, COCT, SHO को सस्पेंड कर दिया गया है। राज्य सरकार ने पीड़ित परिवारों को 5-5 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया है। बावजूद इसके सोनभद्र नरसंहार ने यूपी की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल या निशान लगा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। अब आपको दिखाते हैं कैसे चुनार गेस्ट हाउस में रात भर हलचल रही, क्योंकि प्रियंका गांधी को वहीं रखा गया था। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सोनभद्र पर सियासत लगातार जारी है और प्रियंका गांधी का कहना है कि वो मुलाकात करना चाहती हैं पीड़ित परिवार वालों से, लेकिन उन्हें मिलने नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया, इस गेस्ट हाउस में, चुनार गेस्ट हाउस में लाया गया, यहाँ पर उन्हें रखा गया। रात भर सारे लोग यहीं फर्श पर सोए रहे, जिला प्रशासन ने ना कोई खाने का बंदोबस्त कराया, ना कहीं सोने की कोई व्यवस्था कराई। ये एक व्यवस्था है कि किसी भी व्यक्ति को जब आप अपने कैद में लेते हैं या जेल भेजते हैं तो वहाँ भी खाने के बारे में पूछा जाता है, उसकी व्यवस्था की जाती है, उसके सोने का या उसके तमाम नित्यक्रम करने का। लेकिन इस सरकार ने तो हद ही कर दी, एक तो बिना किसी कारण लाके इस किले में पाबंद कर दिया, चाक चौकसी लगाकर पूरी तरह हम लोगों को यहाँ हिरासत में रखा, उसके बाद सारी चीज़ों को पार कर हमारा मानवाधिकार को भी पूरी तरह उसको उपेक्षित रखते हुए हम सब लोगों के साथ इस तरह का जो व्यवहार इस सरकार ने किया है निश्चित निंदनीय है। हम पूरे कांग्रेसी कार्यकर्ता इस सरकार के चूल्हे को हिलाने का काम करेंगे। हम यह सोच के आए हैं या तो पीड़ित परिजनों से मिलेंगे, अन्यथा जेल जाने के लिए तैयार हैं, कहीं पीछे हटने वाले नहीं हैं। प्रियंका जी को तो प्रशासन ने बता दिया था कि यहाँ AC नहीं है, कैसे? ये एक बड़ा ऐसा विषय है, मुझे लगता है कि निश्चित सरकार की मंशा पर एक बड़ा सवाल है। एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241-44981 or visit www.srku.edu.in.
सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 1800-300-26072। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है, यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कर्नाटक के सियासी संकट से सस्पेंस सोमवार तक के लिए बढ़ गया है। विधानसभा स्पीकर ने कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी है। अब 22 जुलाई को विधानसभा में वोटिंग हो सकती है। वहीं इससे पहले कर्नाटक के राज्यपाल वजूभाई वाला ने सीएम कुमार स्वामी को दूसरी चिट्ठी लिखकर शुक्रवार शाम 6 बजे तक बहुमत साबित करने को कहा था। हालांकि तय समय में फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ। राज्यपाल ने सीएम को लिखी चिट्ठी में ये भी कहा कि बहुमत परीक्षण को टालने के लिए लंबी बहस हो रही है। ऐसे रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है। राज्यपाल की चिट्ठी की जानकारी सीएम कुमार स्वामी ने विधानसभा में दी और विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि वो राज्यपाल की तरफ से भेजी गई चिट्ठी से मेरी रक्षा करें और विधानसभा अध्यक्ष फ्लोर टेस्ट पर फैसला करें। आपको बता दें कि गुरुवार को भी राज्यपाल वजूभाई वाला ने सीएम कुमार स्वामी को पत्र लिखा था और शुक्रवार दोपहर 1:30 बजे तक बहुमत साबित करने को कहा था। हालांकि दोपहर में भी विश्वासमत पर चर्चा नहीं हो पाई। वहीं कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 17 जुलाई के आदेश से दल बदल कानून पर पार्टी के अधिकारों की अनदेखी की बात कही गई। Monday we will be reconvening and Monday will also be the day when the vote of confidence will be put for voting and who's got a majority will be proved on Monday. There will be no further delay. Speaker committed. Monday we are vote of confidence will finish. I will finish. This is the speaker verdict and the floor of the house and the Congress Samanvaya Samiti president given. Let us see. We hope that we'll finish. कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 17 जुलाई को कांग्रेस JDS के बागी विधायकों को लेकर दिए गए फैसले को चुनौती दी गई है। कांग्रेस ने अपनी याचिका में कहा कि 15 बागी विधायकों के बारे में सुप्रीम कोर्ट का आदेश राजनीतिक दल के अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया कि कांग्रेस को 10वीं अनुसूची के तहत अपने विधायकों को व्हिप जारी करने का अधिकार है। दिनेश गुंडूराव ने सुप्रीम कोर्ट से 17 जुलाई के उसके आदेश को स्पष्ट करने की मांग की है ताकि कांग्रेस के अपने विधायकों को व्हिप जारी करने के अधिकार पर प्रभाव न पड़े। जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री कुमार स्वामी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। कुमार स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल की चिट्ठी को चुनौती दी है। राज्यपाल ने कुमार स्वामी को चिट्ठी लिखकर बहुमत साबित करने के लिए कहा था और इसी चिट्ठी से उनके खिलाफ कुमार स्वामी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद आजम खान को रामपुर में भूमाफिया घोषित किया गया है। जौहर विश्वविद्यालय के लिए किसानों की जमीनें कब्जाने के आरोप में फंसे आजम खान को प्रशासन ने भूमाफिया घोषित किया है। हालांकि आजम खान ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया। SP नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। रामपुर प्रशासन की ओर से राज्य के भू माफिया पोर्टल पर आजम खान का नाम शामिल किया गया है। आजम खान और उनके एक सहयोगी आले हसन पर 26 किसानों की 5000 हेक्टेयर जमीन हड़पने का आरोप है। आजम खान के खिलाफ बीते एक हफ्ते में इससे जुड़े 13 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं।
रूटीन कार्रवाई होती है कि जब कोई अवैध कब्जा किया जाता है या किसी की ज़मीन पर जब कोई काबिज होकर उसमें क्रिमिनल एंगेज इन्वॉल्व हो तो हम उसको एंटी भूमाफिया पोर्टल जो शासन के द्वारा बनाया गया है उस पर हम उसका नाम चाहते हैं। दरअसल यूपी में योगी सरकार ने आते ही भू माफियाओं की पहचान करने के लिए इस पोर्टल की शुरुआत की थी। FIR के मुताबिक आजम खान ने किसानों की जमीन का इस्तेमाल मेगा परियोजना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय को बनाने के लिए किया। हालांकि आजम खान इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार उन्हें बेवजह ही इस मामले में फंसा रही है। देखिए, मेरा तो कुछ है ही नहीं, वो यूनिवर्सिटी की जमीन है, मेरा तो गली के अंदर एक मकान है जहां आपकी गाड़ी नहीं जा सकती, तो मेरा नहीं है, वो विश्वविद्यालय का है, ट्रस्ट का है, मैं उसका कस्टोडियन हूं बस। साजिश है, क्योंकि 2006 में जो ज़मीनें खरीदी गई थी यूनिवर्सिटी के लिए, तो उन पर अब FIR का क्या मतलब है? ये आजम साहब के खिलाफ तो ज़बरदस्ती अधिकारी लोगों से लिखा रहे हैं मुकदमे, जबरदस्ती लिखा रहे हैं, बिल्कुल फर्जी झूठे। इधर बीजेपी प्रशासन की ओर से किए गए इस कदम को सही ठहरा रही है। योगी आदित्यनाथ की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि कोई अगर प्रदेश में जमीन कब्जा कर रहा है किसी का, तो वो निश्चित तौर से भू माफिया के रूप में चिन्हित होगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस मामले में दर्ज की गई FIR में कभी रामपुर में ही तैनात रहे रिटायर्ड पुलिस अधिकारी आले हसन का भी नाम सामने आ रहा है, जो फिलहाल गिरफ्तारी के डर से फरार हैं। आपको बता दें कि आले हसन खान के करीबी रहे हैं। अब प्रशासन के इस कदम के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई है और मामले की जांच के लिए एक SI टीम गठित कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acres ऑफ लश ग्रीन कैंपस, हॉस्टल फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन फॉर इंजीनियरिंग, फार्मेसी, डेंटल, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैनेजमेंट एंड एग्रीकल्चर। भाभा यूनिवर्सिटी एट होशंगाबाद रोड, भोपाल। कॉल 9165025500। केंद्र और असम सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी NRC की आखिरी तारीख बढ़ाने की अपील की है। शुक्रवार को कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 31 जुलाई की डेडलाइन बदलने की मांग करते हुए कहा कि भारत को दुनिया की रेफ्यूजी कैपिटल नहीं बनने दे सकते। सरकार ने असम के सीमावर्ती जिलों में 20% सैंपल की दोबारा जाँच किए जाने की मांग की। असम बाढ़ से बेहाल है। राज्य के 33 में से 30 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी कि NRC को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तय 31 जुलाई की डेडलाइन नजदीक आ रही है। इन सब के बीच केंद्र और असम ने सुप्रीम कोर्ट में NRC की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है। CJI जस्टिस रंजन गोगोई की बेंच के सामने मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने केंद्र और असम सरकार का पक्ष रखा। सरकार ने बांग्लादेश की सीमा से सटे असम के जिलों में 20% लोगों के सैंपल की रीवेरिफिकेशन यानी कि दोबारा जांच की मांग की। सरकार का तर्क है कि स्थानीय सांठगांठ के चलते लाखों अवैध घुसपैठिए NRC में शामिल हो गए हैं। ऐसे लोगों की पहचान करना जरूरी है। ऐसे में आखिरी NRC की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि भारत को रिफ्यूजी कैपिटल यानी कि शरणार्थियों की राजधानी नहीं बनने दिया जाएगा। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी संसद में दो टूक कहा था कि देश की इंच इंच जमीन से अवैध तरीके से रह रहे लोगों की पहचान कर बाहर किया जाएगा। जिस घोषणा पत्र के आधार पर सरकार चुनकर आई है वो घोषणा पत्र का भी हिस्सा है, देश की इंच इंच जमीन पर अवैध प्रवासी जितने भी रहते हैं, घुसपैठिए जितने भी रहते हैं, इनको हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं और इंटरनेशनल कानून के तहत इनको डिपोर्ट करें। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर असम के लिए NRC के दिसंबर 2017 के ड्राफ्ट में कुल 3,29,00,000 नागरिकों में से 1,90,00,000 नागरिकों को शामिल किया गया था। बाद में NRC के फाइनल ड्राफ्ट की तारीख 31 जुलाई तय की गई थी।
बाढ़ से बेहाल असम के मौजूदा हालात और 20% सैंपल की दोबारा जांच मांग को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से NRC डेडलाइन बढ़ाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी, जिसके बाद NRC पर आगे की तस्वीर साफ हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। वहीं बिहार में भी बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। अब तक 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन कई इलाकों में मदद न पहुंचने से लोगों की नाराजगी भी देखने को मिल रही है। तो वहीं बिहार के बाढ़ की विभीषिका को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग उठाई जा रही है। अब इन सबके बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 6,000 रुपये आर्थिक मदद का ऐलान किया है। बिहार में बाढ़ से हालात बद से बदतर हो गए हैं। गाँव के गाँव डूब गए हैं, लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं, पानी की तेज धार में सड़कें भी बह गई हैं, गांव का संपर्क मुख्यालय से कट गया है, लोग अपना बचा कुचा सामान लेकर खुले आसमान के नीचे आसरा लिए हुए हैं। पीड़ित केले के तने से जुगाड़ नाव बनाकर जान जोखिम में डालकर सुरक्षित जगह पर जाने को मजबूर हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ तक नहीं पहुँचा है। बहुत बुरा बुजुर्ग वहीं है, मकान बांध 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 करके, खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। तो प्रशासन क्या करता है? प्रशासन बोलता है कि ना हम भेज दिए हैं, ये किए हैं, वो किए हैं, यही बोल रहा है, चूड़ा भेजे हैं, ये भेजे हैं, वो भेजे हैं, हैं? कहीं कुछ नहीं है। बाढ़ के ज़माने में बाढ़ आने के पहले की जो जिला प्रशासन और ब्लॉक प्रशासन की तैयारी होती है, उस तैयारी में इस बार भारी कमी दिखी कि जिला प्रशासन को संवेदनशीलता की बड़ी कमी है, उदासीनता है, उनको समझ में नहीं आता है कि पानी आया है, पानी चला जाएगा, थोड़ा बहुत कर दो। तो सरकारी जो नाव है वो भी चलाए जा रहे हैं, कुछ गैर सरकारी नाव भी चलाए जा रहे हैं। साथ ही इस बार जो कटिहार के लिए विशेष, जो कटिहार की परिस्थितियाँ हैं उसको देखते हुए NDRF की 2 टीम हमारे यहाँ ऑलरेडी थी और आज से 3री टीम भी आ गई है। तो जिले की परिस्थितियों को देखते हुए विशेष रूप से राज्य सरकार ने NDRF की 3 टीम को यहाँ तैनात किया हुआ है। बिहार में बाढ़ की विभीषिका के बीच लोगों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। मोतिहारी के चिरैया प्रखंड के बाढ़ पीड़ित सैकड़ों लोगों ने BDO को बीच सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। BDO ने किसी तरह एक दुकान में घुसकर अपनी जान बचाई। इससे पहले गुरुवार को भी बाढ़ पीड़ितों ने जमकर हंगामा किया था। वहीं मधुबनी जिले के ज्यादातर गाँव बाढ़ में डूब गए हैं। यहाँ का राघौली गाँव टापू बना हुआ है, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। नाव के अभाव में लोग जुगाड़ तकनीक के जरिए आवाजाही कर रहे हैं। बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि सरकार का कोई भी अधिकारी अभी तक हालचाल जानने नहीं पहुंचा है। हालांकि मधुबनी का दौरा करने पहुंचे राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार मदद पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ लाखों लोग जहाँ जो फंसे हुए थे उनको मतलब कि NDRF की टीम ने, SDRF की टीम ने निकाल करके बाहर लाने का काम किया है। उनको आश्रय स्थल जो बनाया गया है वहाँ रखा गया है, खाने का प्रबंध भी है, दवा का प्रबंध जा करके है, और पशुओं के लिए चिंता हम लोग कर रहे हैं क्योंकि चारा और दवा मतलब, तो निश्चित तौर पर कुछ कमी होगी, हम आपके बात से सहमत हैं, जा करके उन कमियों को हम दूर करेंगे। इधर बिहार सरकार ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 6,000 रुपये नकद देने का फैसला किया है। खुद मुख्यमंत्री ने बाढ़ के हालात का जायजा लिया, तो वहीं दूसरी ओर बिहार में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की जा रही है। राज्यसभा में कुछ सदस्यों ने मांग उठाई कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पड़ोसी देश नेपाल के साथ मिलकर हर साल आने वाली इस समस्या का स्थायी समाधान निकाले। शून्यकाल में मुद्दा उठाते हुए जदयू के रामनाथ ठाकुर ने कहा, बिहार के 12 जिले, 571 पंचायतें और 80 प्रखंड भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों का जीना दुभर हो रहा है, हर ओर पानी ही पानी है और बीमारियां फैल रही हैं। बता दें कि नेपाल से निकलने वाली कई छोटी बड़ी नदियां बिहार में आती हैं और गंगा नदी में मिलती हैं। बारिश से इन नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है और बाढ़ का कारण बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर को हमारी वेबसाइट www.newsplatform.in पर पढ़ सकते हैं। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। RKDF University, a world-class university, जहां स्टूडेंट्स को ये ध्यान में रखकर पढ़ाया जाता है